मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 10, मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें हम अपनी बच्चे एक्सरसाइज 14.3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने जब इसका पार्ट नंबर 4 था, उसमें मैंने मीडियन की बात करी थी, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा करा था हमने, कि जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे, बुक के 14.3 के मैंने कुछ सम लिए थे, जिससे हमने मीडियन निकालना सीखा था। और उसमें एक चीज़ और भी है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि इस चैप्टर में से हमें 8 मार्क्स का जो पोर्शन है वो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का पेपर आता है एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन होता है, वो हमारे 9 से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अनग्रुप्ड डाटा का मीन भी निकालना बताया था, मॉड भी निकालना बताया था, और अब हम आज बात करेंगे अनग्रुप्ड डाटा की मीडियन की। ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मुझे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा निकालना हो तो ये दो तरह से, इसके दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। इफ एन इज एन ऑड, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज एन ऑड की मतलब जो मुझे जैसे ये नंबर दिए गए हैं उनकी काउंटिंग करेंगे, तो उनकी काउंटिंग अगर ऑड में है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 बाई 2, टी एच आ गया साथ में, एन प्लस 1 बाय टूथ टर्म, मतलब कि जो इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उसमें 1 प्लस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके जो आएगा, मतलब हो सकता है 6th आ जाए, 5th आ जाए ऑब्जर्वेशन, मतलब वो वाला नंबर। तो ऐसे ही अगर इफ एन इज एन इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इन नंबर की काउंटिंग जो है वो हमें इवन में आए, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन ऑफ एन बाय टूथ एंड एन बाय टू प्लस 1th टर्म। अब अच्छा, यहाँ मैंने ये वाले फॉर्मूले में और ये फॉर्मूला लिखने में मेरा फर्क है, यहाँ n प्लस 1 पूरे का ओवर 2 है और यहाँ सिर्फ n बाय 2 प्लस 1 है, n बाय मतलब 2 जो है सिर्फ n के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, इसलिए ये आगे जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी पे ये फॉर्मूले लिखे हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे वाले सम हमें 2 मार्क्स का वाला जो पार्ट होता है, बी पार्ट, उसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले ली, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम द गिवन डाटा, ये मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, 41, 93, 48, ऐसे कुछ नंबर्स लिए हैं। आगे मैंने लिखा है फाइंड द मीडियन, कि इनका मीडियन मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे पिछला मैंने मोड लिया था, विकेट्स दी हुई थी, ऐसे ही उस सम का भी हमें मीडियन बोला जा सकता है। तो हमने सबसे पहले चेक करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, और टोटल मेरे पास, मैं सोल्यूशन यहाँ लिख लिया मैंने, हेयर n इक्वल टू 15, कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 15। 15 क्या है, एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के हिसाब से मीडियन का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ टर्म। तो यहाँ अब सबसे पहले ये तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, सबसे पहले जब हमने सम को सॉल्व करना है, अरेंज द गिवन डाटा इन AO, AO का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे पहले ये जो मुझे नंबर दिए होते हैं इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर उसे सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, 40 जैसे आ रहे हैं, पर जरूरी आपने 40 को एक बार नहीं लिखना, यहाँ 42 टाइम्स है तो मैं उसे 2 टाइम्स ही लिखूंगी, उसके बाद 41, 41, फिर जैसे जैसे जो जो बड़ा नंबर आएगा वैसे लिख लें, जो नंबर जितनी बार है। यहाँ भी आप इसको काउंट करोगे तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 15 ही है, पर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जब तक अगर इस सम को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करूंगी, तो जब मैं अगर 15 करके ये फॉर्मूला सारा लगा के मैं सम को सॉल्व करती हूँ, तो मैंने इस डाटे में से आंसर दे दिया तो वो मेरा आंसर गलत होगा। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा मैंने अरेंज करा है उसमें से ये आंसर देना है। सबसे पहला काम ही क्या करना है, जब भी आपको मीडियन बोला गया हो आप उसको अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, फिर उसके बाद उनकी काउंटिंग करो, जैसे हेयर n इज इक्वल टू 15 एंड ऑड नंबर, उसके हिसाब से फॉर्मूला, जैसे यहाँ ऑड है तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ टर्म। तो n कितना है मेरे पास, 15, 15 प्लस 1 बाय टूथ टर्म,
तो 15 में 1 प्लस करेंगे 16 बाय 2, कटिंग होके क्या आ गया a, तो क्या आ गया मेरा आंसर क्या होगा, एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म मैंने असेंडिंग ऑर्डर वाले डेटा में से लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन, इनको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, इनको टर्म्स भी बोलते हैं, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है टर्म। 8th नंबर की टर्म जो क्या है मेरे पास 52, वो इसका मीडियन होगी, वो इसका आंसर होगी। पर फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पहले डेटे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पार्ट ले लिया, आगे मैंने फिर से ऐसा ही सम ले लिया, द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, वो वाला ही सम ले लिया मैंने जिसका मैंने पिछली बार मोड निकाला था, पर मैं इसका मीडियन निकाल रही हूँ। अब जैसे मेरे पास नंबर है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, तो उसके लिए सबसे पहला काम अब मैंने करा क्या है कि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर 0 है पहले, फिर 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 है, तो हेयर n इक्वल टू, जब मैंने इनकी टोटल करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हेयर n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10, 10 क्या है एक इवन नंबर, तो अगर मेरे पास इसकी काउंटिंग इवन है तो इवन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब इवन के लिए मेरा मीडियन का ये फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ लिख लिया देयरफॉर मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ एन बाय टू एंड एन बाय टू प्लस वन टर्म। मीन ऑफ, यहाँ मैं मीन ऑफ लिख रही हूँ, ये आपने लिखना है, ये मैं इसका मतलब आपको बाद में समझाती हूँ। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, बाय टू कटिंग होगी 5th, मतलब इसको काट के मेरे पास कटिंग करके आ गया 5, th है साथ में मतलब 5th, एंड 10 बाय 2 इधर से इसकी कटिंग होगी 5 प्लस 1 कर देंगे 6th टर्म, मीन ऑफ 5th एंड 6th टर्म। तो जब हमने ऐसे वाले डेटे का मीन निकालना सीखा था तो हम क्या करते थे, उसका आंसर क्या था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने मीन ऑफ 5th एंड 6th टर्म करना है, जैसे मैंने यहां लिख दिया मीन ऑफ 5th एंड 6th टर्म, सिर्फ मैंने 5th और 6th टर्म का मीन निकालना है, तो दैट इज द मीन ऑफ। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करा तो 5th कौन सी है, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, इन दोनों के मीन का मतलब है, मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके कितनी टर्म्स को मैंने प्लस किया, बाय 2, तो सिर्फ दो टर्म्स का मीन निकालना था मैंने, तो दोनों टर्म्स जो हैं वो है कौन कौन सी, 5th नंबर वाली है या 6th वाली है, तो इनका मीन मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास 2, तो 2 लगा दूंगी, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 बाय 2 कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ये वाले जो सम है ये भी आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है, क्योंकि ये जो 2 मार्क्स का एग्जाम आता है उसके लिए ये जो सम्स है ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे 14.3 एक्सरसाइज का सम नंबर 3, द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। मतलब मुझे ये एक सम दिया हुआ है कि इसकी सम की स्टेटमेंट जो है वो दूसरे पेज पे है, मैं अभी पर सबसे पहले जो ऊपर लिखा है मुझे उसे समझने की जरूरत है, अब मैंने निकालना क्या है। अब उन्होंने बोला है ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने फाउंड ए डाटा, उसके पास एक डाटा है जिसमें 100 जो है वो पॉलिसी होल्डर्स हैं, एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स की एजेस दी हुई, कैलकुलेट द मीडियन एज, मुझे निकालना क्या है इसका मीडियन, इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। उसके आगे बच्चे मुझे ये स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जैसे बिलो 20 इस फॉर्म में मेरे को स्टेटमेंट दी हुई, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसे करके बिलो 60 तक, और सामने नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब मैंने इस सम का उन्होंने मेरे को बोला है कि मीडियन निकालना है, और जहां बिलो लिखा हुआ है वहां कई बार लेस देन भी आ जाता है, लेस देन मतलब 20 से कम, बिलो मतलब उसका भी 20 से नीचे, तो ये दोनों अगर लेस देन लिखा हो तो बिलो लिखा हो तो हमने एक ही तरह से उसको सम करना है। जैसे कि आपको मीडियन के लिए पता है
सबसे पहले तो आप मीडियन क्लास इंटरवल लेते हो। अब इस स्टेटमेंट में देखो आपके पास क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए, क्लास इंटरवल ये वाली फॉर्म को क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो एक तो यहाँ क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए, दूसरा मुझे यहाँ n by 2 तो उन्होंने बोल ही दिया है कि 100 पॉलिसी टोटल, मतलब जो है वो 100 लोग हैं जिनको पॉलिसी दी गई है, तो n मतलब हो गया 100। तो यहाँ अगर इसमें लास्ट 100 आ रहा है तो इसका मतलब ये f नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है मेरे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है मेरे पास cf। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे बिलो वाली फॉर्म में या लेस देन वाली फॉर्म में आपको सम दिया गया होगा तो ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स आपको दिए हुए हैं उसका मतलब ये है कि लास्ट उसका जैसे 100 आ गया तो टोटल उन्होंने 100 को दी हुई है पॉलिसी, तो इसमें भी लास्ट 60 के सामने 100 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये प्लस करके, क्योंकि ये मैंने पीछे बताया भी है कि जैसे यहाँ एन है तो ये लास्ट इसके साथ मैच कर। जैसे कि इसके लिए अगर मैं आपकी क्लास में से एग्जांपल लूँ कि आपकी क्लास में वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनकी एज जो है 15 से कम है, तो 15 से कम जिनकी एज है 14, 13 वाले सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, और अगर मैं बोलूँ कि आप 16 वाले जो हैं जिनकी एज जो है 16 ईयर से कम है वो सारे खड़े हो जाएं, तो उसमें बचे जिनकी मैंने 15 जब बोला था उस वाले तो ऑलरेडी खड़े रहेंगे, पर 15 से 16 के बीच के जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, वो वाले स्टूडेंट भी खड़े हो जाएंगे, तो जो टोटल है उनका वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही है जैसे यहाँ बिलो 20 का मतलब कि ये सिर्फ दो हैं, बिलो 25 का मतलब यहाँ 20 से बिलो वाले भी हैं और 20 से ऊपर लेके 24 तक वाले, 25 से बिलो वाले भी आ गए तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ 30 वाले जैसे हो गया, तो इनमें ये भी ऐड है, तो ये 2 भी हैं, 6 भी हैं, ये भी आ रहे हैं, तो आगे जाके ऐसे हो जाता है। तो इस ऐसे सम जब हमने सॉल्व करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना है। क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने दो, नेक्स्ट जो है वो ऐसे ले लेना है अपने 20 से 25, फिर जितना जितना गैप हो फिर आगे 25 से 30, 30 से 35, ऐसे करके लास्ट 60 था तो वहां तक आपने क्लास इंटरवल बना लेनी है, क्योंकि हमें मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल चाहिए। नेक्स्ट, और उसके साथ मैंने बोला ये सी एफ है, ये सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, जैसे कि हम पिछले सम में इसको थर्ड कॉलम में लिखते थे तो मैंने थर्ड में लिख लिया। अब सी एफ है तो फॉर्मूले में मेरे को एफ भी चाहिए, तो एफ मेरे को निकालना पड़ेगा। अब एफ कैसे निकालेंगे हम, एफ से सी एफ जब निकालते हैं तो प्लस करते हैं, पर सी एफ से जब एफ निकालूंगी तो माइनस करूंगी। अब कैसे निकालना, ये सी एफ है जैसे फर्स्ट नंबर को एज इट इज रहने देना है, और सी एफ निकालने के लिए 6 में से 2 माइनस कर देंगे, अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करते जाएंगे, 6 में से 2 माइनस करें 4, फिर जब मैं 25 टू 30 आऊंगी तो मैंने 24 में से 6 माइनस करने हैं जो कि कितना आया 18। और अब ये मैं यहाँ से बता रही हूँ, पहले मैंने यहाँ से लिया है ताकि आपको एक स्टेटमेंट समझ आए। अब मैं इधर, मैंने पहले से इसको ऑलरेडी लिखा है तो मैं इधर से माइनस करती जाऊंगी, ठीक है। 24 में से 6 माइनस करें क्योंकि फर्स्ट नंबर ऐसे, दूसरे में 6 में से 2 माइनस करें 4, 24 में से 6 माइनस करें 8, 45 में से 24 माइनस कर दो 21, 78 में से 45 माइनस करें 33, 89 में से 78 करें तो 11, 92 में से 89 करें तो 3, 98 में से 92 करें तो 6, 100 में से 90 करें तो 2। अब इनको भी आप प्लस करो, चेक करना है आपने कि यहाँ आपकी जो काउंटिंग है वो 100 है या नहीं, इससे मैच करिए कि नहीं। अगर नहीं करे तो एक बार फिर से देखो कि कहाँ आपकी माइनस करने में गलती होगी। अब बाकी का सम हमने जब मीडियन निकालते हैं तो हमें ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, वो तीनों आ गई। अब बाकी का सम सेम वैसे ही, और उससे पहले मैंने n बाई 2 लेना है, n कितना 100 बाई 2 50 आ गया, तो 50 के हिसाब से उसका नियर जो बड़ा नंबर है सी एफ में वो क्या है 78, तो 78 के सामने का क्लास इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल 35 टू 40 बन गया, और l कितना है इसमें, l लोअर लिमिट 35, सी एफ इससे पिछले वाला, हमेशा जो क्लास इंटरवल हमने लिया है
उससे पिछला सी एफ लेते हैं जो कि कितना है 45। एफ कितना है, क्लास इंटरवल के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लेते हैं यहाँ। एच कितना है, डिफरेंस 5-5 का आर है। और अब मैंने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ मैंने सारी चीजें लगा दी हैं। अब फॉर्मूले में आपने खुद से इसको फिल करना है और इसकी कैलकुलेशन करके इस सम को सॉल्व करना है। अब अच्छा, जैसे मेरे पास सम नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमें एक डाटा दिया गया है जिसमें 40 लीव्स की हमें लेंथ दी गई हुई है एमएम में, मिलीमीटर्स में। जैसे बच्चे लास्ट में देखो उन्होंने बोला है क्या, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, साथ में हमें हिंट भी दिया हुआ है। पर जब एग्जाम में ऐसे सम आते हैं तो पहली चीज तो हमें हिंट कोई नहीं दिया होता, हमें खुद से याद रखना है। और ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, अब इस स्टेटमेंट में देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है बाकी की स्टेटमेंट में से। और अब यहाँ चेक करो कि जो स्टेटमेंट है वो मेरे को लेंथ इन एमएम दी हुई है और नंबर ऑफ लीव्स, ये मेरे पास स्टेटमेंट मैंने एज इट इज बुक से लिख लिया 118 to 126। पर जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या है मेरे पास 127 to 135। इससे पहले हमने जो भी सम करे हैं, ये जो पिछला इंटरवल की लोअर लिमिट है वो अगले इंटरवल की अपर लिमिट से मैच करी थी। ये जैसे यहाँ अगर 126 है तो यहाँ भी 126 होना चाहिए था। यहाँ जो नंबर है वो अगले में, जो यहाँ इसकी अपर लिमिट है वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए थी। इस सम में ये डिफरेंस है बाकी के सम में। अगर बच्चे मुझे ऐसा कोई सम दिया है मीन निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको ध्यान होगा कि मीन के किसी भी फॉर्मूले में हमने L मतलब लोअर लिमिट नहीं आई हमारी, सिर्फ लोअर लिमिट हम यूज कर रहे हैं। जो मॉड का फार्मूला था उसमें भी L प्लस F1 माइनस F0 ऐसे फॉर्मूला आ रहा था, और जो मीडियन का फॉर्मूला ले रहे हैं उसमें भी हमारा स्टार्टिंग में L, L मतलब लोअर लिमिट आ रहा था। इसलिए इसमें जरूरी है कि जो पिछले इंटरवल की अपर लिमिट है वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट से मैच करनी, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये वाले ये दोनों मैच करनी है और इन दोनों नंबर्स में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या। जैसे 127 में से 126 मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास डिफरेंस कितना है 1 का, इसका मैं हाफ करूंगी तो 1 का हाफ कितना होता है 0.5। अब मैंने करना क्या है कि जो हर इंटरवल में ही मैंने ऐसे करना है कि उसकी लोअर लिमिट में से 0.5 को मैंने माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में मैंने 0.5 को प्लस करते जाना है। जैसे मैं 118 में से, इसके साथ कुछ नहीं है जीरो, में से 0.5 को माइनस करूंगी तो यहाँ आ गया 5, यहाँ 7 रह गए तो क्या आ जाएगा मेरे पास 117.5। तो इसमें मेरे को ऐड करना है तो 126 में मेरे को 0.5 ऐड कर देना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास 126.5। जब बाकी का आप लोगे ना तो डिफरेंस इनमें उतना ही रहेगा, सिर्फ इस साइड से हमने 0.5 कम कर देने हैं और दूसरी साइड पे वो जो कम हुए, ये मान लो कि इसके 0.5 गुम हो गए और इसको मिल गए, इसमें ऐड हो गए, ऐसे ही 117.5 और दूसरी साइड क्या बन गया 126.5। तो अगले में ऐसे ही होगा, जब 127 में से 0.5 आप माइनस करोगे तो वो कितना बन जाएगा, अगर मैं 127.0 में से 0.5 माइनस करूंगी तो मेरे पास 126 बन जाएगा। मतलब अपने आप अपर पिछले की जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट से मैच करनी शुरू हो जाएगी। अब अगर एक बार आपको इस चीज की समझ आ गई है ना, तो आप ये वाली जो लाइन है इस सारी लाइन के साथ 0.5 एज इट इज, जैसे 135.5 144.5 ऐसे लगाते जाओ। और ये जो नंबर है, जैसे फर्स्ट स्टार्ट हो जाओ, इसको इधर लिख लो, ये इसको इधर लिख लो, ये पिछले वाला जो है अपर उसको अगली में लोअर बना दो, ऐसे करके लिख लो कि मतलब जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके साथ कोई चक्कर नहीं होता, ये सिर्फ बिलो वाले में सीएफ दिया होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, और बाकी के जो ऐसे सम होते हैं इनमें एफ ही होता है हमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पता हमें पता कहाँ से चलता है, जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 9, ये 12, यहाँ फिर से छोटा नंबर हो गया, यहाँ से फिर मतलब नंबर जो है
छोटा कभी छोटा कभी बड़ा, फिर आगे छोटा, ऐसे हो जाता है। पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसमें रेगुलर नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी थी एज इट इज, उससे अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी पहले ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 8, 9 प्लस करे 17, ये इक्वल का साइन है, तो 17 में 12 प्लस करे 29, ये ऐसे करके हमने CF निकाल लिया। ये n कितना आ गया 40। अब n बाय 2 20, 20 के हिसाब से उसके नियर, 20 के हिसाब से अगर मैं नियर उसका लूं तो ये है मेरे पास CF। तो इसके सामने का इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल ये आ गया, पॉइंटों में लेंगे। अब ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास खत्म होगी। अब इस स्टेटमेंट को देख के मैंने सम को सॉल्व करना है। तो ये यहाँ CF वगैरह मैंने सारा निकाल दिया, फॉर्मूला लिख दिया। इस सम को भी आपने खुद से सॉल्व करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू फिल करके कैलकुलेशन करनी है। बच्चे जो मेरी ये जो मैंने सम करवाए हैं ये आपने सारे के सारे अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है। और जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम लूंगी। जब मीन दिया होता है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कैसे पता करनी है, और जब मीडियन दिया हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कैसे पता करनी। और ये जो वीडियोस वाले सारे समय आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करके फेयर कॉपीज कंप्लीट करनी है।